कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोहा बाजार में, आज क्या कीमतें चल रही हैं, टीएमटी सरिये में क्या रेट देखा जा रहा है, आज किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आप देख सकते हैं। आप विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं। मार्केट में गिरावट के साथ बाजारों में कल के दिन कारोबार देखा जा रहा था इंगट का। आज हालांकि बाजारों में अगली हल्की से रिकवरी के साथ कारोबार हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी के साथ बाजारों में इंगट में कारोबार नहीं देखा गया है। 100 से लेकर और 200 रुपए तक की रिकवरी आई है मार्केट में आज इंगट के रेट में। और बात करते हैं अगर टीएमटी सरिये के बारे में, तो दाम बाजारों में आज एक हद तक स्थिर देखे जा रहे हैं। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो भारतीय कंपनी का रेट 52,900 है, कामधेनु कंपनी की 60,601 है, केटू कंपनी का रेट 59,371 चल रहा है, ज्योति कंपनी की 60,112 रुपए देखी जा रही है, फॉर्चून कंपनी का रेट 61,899 है, प्रबल कंपनी की 59,801 चल रही है, द्वापर कंपनी का रेट 64,900 है, दीपक कंपनी की 52,600 रुपए देखी जा रही है, जवाहर कंपनी की 57,800 रुपए देखकर चल सकते हैं, शेर पंजाब कंपनी कीमतें बाजारों में 60,611 है, अंबा कंपनी का रेट 57,400 चल रहा है और जिंदल कंपनी में आप 60,200 रुपए का रेट बाजार में देखकर चल सकते हैं। तो मार्केट में गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। इंगट के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो हल्की रिकवरी को देखते हुए इंगट का रेट 47,400 रुपए देखा जा रहा है, 100 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है, वैसे स्प्रेड की कीमतें 36,900 रुपए देखी गई है। ओवरऑल मार्केट में आपको हल्का सा ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। मंथ एंड चल रहा है और एक्सपायरी को देखते हुए ऊपरी स्तर से इस वक्त मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लगातार बनी हुई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।